नमस्कार बागवान भाइयों, आज हम आपको आड़ू जो कि सोलन की एक वैरायटी है उसमें प्रूनिंग कैसे की जाती है उसके बारे में जानकारी देंगे। तो जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये लगभग एक साल ग्राफ्ट किया हुआ पौधा है आड़ू का। इसमें हमने पिछले साल जो है ग्राफ्ट करी थी और इस साल इसमें जो है हम प्रूनिंग करेंगे ताकि इसकी जो ग्रोथ है वो कंट्रोल हो सके और ये अनियमित रूप से ना बढ़ सके और जो अवांछनीय टहनियाँ इसमें उगी हुई हैं उनको हम हटा सकें। तो देखते हैं कैसे इसमें हम प्रूनिंग करते हैं। सबसे पहले हम जो भी टहनियाँ एक दूसरे को जो है क्रॉस कर रही हैं, एक दूसरे पर अटैक कर रही हैं, जिसके कारण जो है पौधा कई बार मर जाता है, उनको हटाने की कोशिश करेंगे। तो ये जो हमारा पौधा है एक साल का है, पिछले साल इसमें ग्राफ्ट करा हुआ था। तो इसमें कई टहनियाँ जो हैं जैसे एक दूसरे को कंपटीशन दे रही हैं। जैसे ये हमने एक पिछले साल करी हुई थी ग्राफ्ट कलम, तो इस पौधे में ये जो है इसको कंपटीशन दे रही है और इसको खत्म कर देगी अगर हम इसको ग्राफ्ट नहीं करेंगे, प्रॉपरली इसको नहीं देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी जो ग्रोथ है इसको हम मॉनिटर करेंगे, रोक देंगे इसे ताकि जो निचला पौधा है उसको सांस लेने के लिए जगह मिल सके, ये अच्छी तरह से सनलाइट प्राप्त कर सके और इसकी ग्रोथ भी आगे हो सके। तो ये जो अवांछनीय जैसे टहनियाँ उगी हुई हैं इनको, इन पर इसका ज़्यादा असर होगा ऊपर वाली टहनी का, तो इनको हम हटा ही देंगे ताकि इनको ये हमारी जो पानी है जो भोजन नीचे से पौधा खींचेगा उसको प्रॉपरली सेप किया जा सके और वो सही स्थान पर पहुंच सके। तो जैसे आप देख रहे हैं ये हमने कर दिया है कहने का, अब ये जो है इसको हटा देते हैं यहाँ से, ये ठीक है। ये जो टहनियाँ हैं सीधा कंपटीशन दे रही हैं, जैसे ये टहनी हमारी मेन हो गई अब यहाँ पर, तो हम इनको हटा देंगे क्योंकि ये इसके लिए जो है कंपटीशन कर रही हैं और दूसरी टहनियों के लिए भी ये खुराक पहुँचाने में लेट कर देंगी, डाइट वहां तक प्रॉपरली नहीं पहुंच पाएगी। अब आप देख रहे होंगे कि ये हमने इसको हटा दिया, जो अवांछनीय टहनियां इसमें उगी हुई थी इसको हम रहने देंगे। ये अंदर को बाहर को जा रही है और जो दूसरा हमारा पेड़ है उसको बाहर को धकेल रही है, तो इसको हम थोड़ा ऊपर से हटाते हैं ताकि कंट्रोल रह सके हमारी ग्रोथ भी। और ये तो यहाँ से इसको भी हटा देते हैं इसको भी। अब हमारे पास एक कंप्लीट देखो पौधा आपको दिख रहा होगा, इसमें हमने प्रूनिंग कर दी है, तो सभी चला हुआ काम तो भी हम नियमित करते हैं ताकि इसकी जो फूल और पत्तियां हैं वो सही रिश्ते में आ सके। हमारा अगले साल इससे हम अच्छे फल प्राप्त कर सके। प्रूनिंग बहुत ही लाभदायक होती है पौधों में, अगर हम प्रॉपरली कटिंग ना करें तो उनका स्वरूप बिगड़ जाता है और फिर वो किसी काम के नहीं रहते हैं। तो हमें समय लगते ही जो भी अवांछनीय इसमें टहनियां उगाती हैं उनको हटा लेना चाहिए, नहीं तो पौधा जो है इससे मर भी जाता है कई बार। और हम सोचते हैं कि इसको पता नहीं क्या कमी रह गई है, लेकिन मेन कारण क्या होता है कि ये जो है
इसको टहन के देख रहे होंगे, इसमें कंपटीशन है, इसको भी हम रहने देते हैं। ले जी ले, देख रहे हैं आप इस तरह से अभी पौधा जो है लगभग हमने कर दिया है प्रून, लेकिन इसकी जो ग्रोथ है वो हमें कभी नहीं लग रहा है। इतना तो नाश कट रहा है, मैं कितनी ठीक हूँ।